आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आइए आज एक तारीख है और आज एक नई शुरुआत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। प्रभु परमेश्वर पिता, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे दाऊद की संतान, हम अपने आप को, हमारे घराने को, हम सभी को जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, इन सभी को भी यीशु तेरे लहू में डालता हूँ। इस पल तक जाने और अनजाने में हमसे कोई भी गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध हुए, तेरी दृष्टि में जो बुरा था, हमारे विचारों से, कामों से, व्यवहार से, शब्दों से, तन, मन, धन से, जो तेरी दृष्टि में बुरा था, जो हमसे हुआ, हम उन गलतियों के लिए तेरे आगे प्रभु हम क्षमा मांगते। खुदा, अपने लहू से हमें धोके पाक और साफ कर और हमें नया बना और हमारे गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को अनंत काल के लिए मिटा डाल खुदा, और उनको याद भी मत कर, और हमें भी अनुग्रह दे कि हम भी याद ना करें। दया कर, कृपा कर प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हम मर नहीं गए, आपकी माँ करुणा का फल है। हमें कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई कट्टी नहीं खुदा। तूने हमें तीनों समय की रोटी से तृप्त किया। तूने हमें भिखारी नहीं होने दिया। तूने हमें हॉस्पिटल्स में नहीं आने दिया प्रभु परमेश्वर। तूने हमें बेड, बीमारी के बिस्तर पर नहीं रहने दिया खुदा बाप। प्रभु, हमारी गलती के कारण जो भी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं हुई थी प्रभु, तूने उन पर हमें जय दिलाई, या जहाँ जय नहीं पा पा रहे थे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ इस नए महीने के अंदर नई तरीके से उन समस्याओं पर हम जय पाएंगे। अनुग्रह कर खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं हम रोगी नहीं, धन्यवाद करते हैं हम घटी में नहीं, धन्यवाद करते हैं हमारे शरीर के अंग सही सलामत हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, धन्यवाद करते हैं हमारी गिनती नहीं घटी, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम कब्र में नहीं हैं, क्योंकि मुर्दा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा पिता हर एक आशीष और बरकतों के लिए। धन्यवाद करते प्रभु हमारे घराने के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे आत्मिक माता पिता के लिए, हमारे आत्मिक अंगों के लिए, हमारे शारीरिक माता पिता के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए प्रभु हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तूने तीनों समय की रोटी से हमें तृप्त किया, हमारी घटी को भरपूरी बदला, नुकसानों की भरपाई करी, आशीष देकर हमें आशीष का कारण बनाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं तूने हमें नया दिन दिखाया, क्योंकि लिखा है ये परमेश्वर की दया है, ये महाकरुणा का फल है प्रभु तेरे की आज हम जीवित, आज हम मर नहीं गए, आज हम मर मिट नहीं गए, ये तेरी दया है प्रभु। मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। तूने अद्भुत योजना हम सभी के लिए बनाई है प्रभु। इस नए महीने के अंदर प्रभु नए तरीके से हम पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। हमारे शरीर, प्राण और आत्मा पर कब्जा करें, हमारे मनों पर, विचारों पर, बुद्धि पर, ज्ञान पर, समझ पर, सोचों पर प्रभु कब्जा करें। हमारे होठों को पवित्र करें, हमारे ख्यालों को पवित्र करें, हमारे विचारों को पवित्र करें, हमारे शब्दों को पवित्र करें, हमारे व्यवहार को पवित्र करें। हमारा मकसद हो तेरी महिमा करना, हमारा मकसद हो दुआ करना, हमारा मकसद हो प्रेम करना, हमारा मकसद हो भला करना, हमारा मकसद हो तेरे आंसू को पोछना, हमारा मकसद हो तेरी सिद्ध इच्छा को पूरा करना। प्रभु हम तुझे देखना चाहते, तुझे सुनना चाहते, तुझे समझना चाहते, तेरे अनुसार चलना चाहते, तुझे प्रसन्न करते हुए जीना चाहते, तेरी सीधी इच्छा को पूरा करना चाहते, तेरी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी तेरे ग्रहण योग्य होने पाए पिता। जहां कहीं भी हम अपने पापों के कारण गिर गए थे खुदा, हमें फिर से उठाकर खड़ा कर, तेरे लहू से हमें धो दे पिता। या जहां कहीं भी हम कमजोर थे हमारे शारीरिक बातों को लेकर, आत्मिक संसारिक, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, या जहां कहीं भी हम पाप में गिर गए थे, या किसी भी तरीके से गिर गए थे, या तुझसे दूर हुए थे पाप करने के कारण प्रभु परमेश्वर, तुझसे जो जुदा हम हो गए थे हमारी गलती के कारण, जो तूने अपना मुंह छिपा लिया था प्रभु, उन गलतियों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कमजोरी में तेरी सामर्थ्य, तो सभी प्रकार के गुप्त पापों से तू हमें शुद्ध कर। हमारी ढिटाई के पापों के कारण तू हमें क्षमा कर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमें दंड ना दे, हमें क्रोध में आकर प्रभु में नाश ना कर, हम पर अनुग्रह कर। ये तेरी दया है कि आज हम मर नहीं गए, हम तेरी दया को मांगते हैं मेरे खुदा बाप। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु यीशु, हम पर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। अपना हाथ हमारे सर पे रख, हमारे हालातों को छू ले, हमारी परिस्थिति को छू ले, हमारे मन विचारों को छू ले, हमारे काम धंधे, नौकरी, बिजनेस को, हमारे घराने के नौकरी, बिजनेस को, हमारे खातों को, हमारे अकाउंट बैंक बैलेंसेस को, हमारे शरीरों को छू ले, हमारी आंखों को छू ले, हमारे दिल, मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच, विचार, मेमोरी, पावर, याददाश्त, दिल की धड़कनों को, फेफड़ों को, बॉडी के सभी ऑर्गन्स को छू ले प्रभु। हमें पाक और साफ कर, हमें अपने लहू से धो दे, और हमें चंगा कर, हमें छुटकारा दे, हमें आज़ाद कर और नया कर प्रभु। तू चंगा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू आशीष नहीं देगा तो कौन देगा? तू बरकत नहीं देगा तो कौन देगा? तू नहीं छुड़ाएगा तो कौन छुड़ाएगा? तू नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? तू आंसू नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? तू नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? तू रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? तू सीने से नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा प्रभु? तू नहीं बुलाएगा तो कौन बुलाएगा? तू नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? तू नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा मेरे प्रभु परमेश्वर? तू नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें, हम जानते हैं हमने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। हम बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन प्रभु नहीं कर सके। हम जानते हैं हमारी गलती, पाप, गुनाह, अपराध के कारण हमारी जिंदगी में समस्या हुई, लेकिन प्रभु आज उन गलतियों को क्षमा कर, जिन पाप के कारण आज हम दुख में हैं। यीशु तेरे लहू से हमें धो के पाक और साफ कर, हमें नई चाल चलने का अनुग्रह दे, हमें नया मन, नई आत्मा दे, एक नई शुरुआत हमारी जिंदगी में हो प्रभु। अनुग्रह कर हे परमेश्वर, हे परम पिता, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, अपने नाम के निमित्त हमें याद कर।
जब तो तूने मूसा को याद किया, तूने हारून को याद किया, तूने प्रभु परमेश्वर, तूने अब्राहम को याद किया, तूने एलिया को याद किया, तूने हनोक को याद किया, तूने यीशु को याद किया, हमें भी याद कर प्रभु। जब तूने याद किया तो लोगों की जिंदगियां बदली प्रभु, जब तूने छुआ तो लोगों की जिंदगियां बदली, हालात बदले, परिस्थितियां बदली। आंसू हमारी जिंदगी को छू ले खुदा बाप, हमारी जिंदगी की हर एक मुर्दा परिस्थिति जीवित हो जाए यीशु तेरे नाम से। तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य हम सभी की जिंदगी में काम करे। तो हमें छू ले प्रभु, तुम्हारे पास में तेरा हाथ हमारे सर पर है, तो हमें छू ले, हमारे हालातों को छू ले, हमें अपने सीने से लगा ले, हमारे आंसू के बदले हमें दुगना भाग आदर का दे प्रभु। हमारे रोने पीटने आंसू बहाने को प्रभु तू देख, हमारे चिल्लाने की ओर ध्यान लगा, हमारे कराने की ओर कान लगा प्रभु। हमारी दुहाई तेरे पवित्र मंदिर में पहुंचे, हमारी सुनकर तो प्रभु तू हमें उत्तर दे, इससे पहले कि प्रभु शैतान को अवसर मिले तो हमें बचा ले, टूटने बिखरने से पहले हमें संभाल ले, हमारी आशा और विश्वास को टूटने ना दे। अब्बा हम तुझसे विनती करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का तू उत्तर दे। हाँ, हम अपनी गलतियों को तेरे आगे मानते हैं, हमें छोड़ने में हमारी मदद सहायता करे प्रभु। हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे मन विचारों को शुद्ध कर, पवित्र कर, हमारे दर्शन स्वप्नों को पाप में ना होने दे, पवित्र कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे अगुओं को, हमारे कलीसिया को, हमारे लोगों को, हमारे विश्वासियों को, हमारे माता पिता को, हमारे घरानों को, हमारे आस पड़ोस को, हमारे बच्चों को, हम सभी को प्रभु, आपस में हम सभी लोगों को प्रभु दिल से आशीषित कर, अनुग्रह कर, दया कर, अपना नया हाथ, अपना दया का हाथ हम सभी पर दिखा। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, आज हम बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, आज हमारे आंसू पहुँचे जाएंगे, आज हमारे रास्ते खुलेंगे, आज हमारे द्वारा प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा लेगा, आज हमारी आंखों के आंसू प्रभु परमेश्वर पहुँच दिए जाएंगे, आज हम शांति पाएंगे प्रभु, आज हम तुझसे छुटकारा चंगाई पाएंगे, तुझसे बरकत पाएंगे, आज हम नए मिरेकल को, नए छुटकारों को, चंगाई को, सामर्थ को, बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे। हे परमेश्वर, हमारे प्रार्थना आराधना के जीवन को बढ़ा, हमें वचनों में बढ़ा, प्रकाशनों में बढ़ा, सामर्थ में बढ़ा, तेरे डर में बढ़ा, तेरे प्रेम में बढ़ा, तेरी नम्रता में, तेरी दीनता में, तेरी सब प्रकार से भरपूरी में, परिपूर्णता में बढ़ा, हमें बढ़ा प्रभु। तुझसे विनती करते मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा प्रभु, तेरी भय की आत्मा हम सभी पर ठहरी रहे प्रभु। तूने हमें मूर्खों को चुना है ताकि हम ताकि तू हमारे द्वारा अपने बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे, ताकि तू हमारे द्वारा बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे, इन संसार के बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे प्रभु। तूने हमें तुच्छों को चुना है, तूने हमें निर्बल को चुना है प्रभु, तूने हम नीचों को चुना है, जो कुछ भी नहीं थे, जगत का कूड़ा और खुरचन थे हम प्रभु, तूने हमें चुना है ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको हम व्यर्थ ठहराएं। खुदा अनुग्रह कर खुदा बाप, किसी एक की भी गिनती ना घटे प्रभु। हमारे पापों के लिए तो मैं क्षमा कर, हमारे ढिटाई के पापों के लिए तो मैं क्षमा कर, एक नई शुरुआत हमारी जिंदगी में हो, इस महीने के अंदर नई तरीके से तुझ में आनंद करते हुए एक नई जर्नी हमारी तेरी महिमा में तुझ में होकर शुरू होने पाए। अनुग्रह कर खुदा बाप, हमारा आनंद प्रभु पर, तेरा आनंद हमारी सामर्थ बने और हम तेरे आनंद को पूरा करें। अब्बा अनुग्रह कर, अपनी जिम्मेदारी को समझे, हमारे द्वारा बड़े बड़े काम, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए जाएं प्रभु परमेश्वर, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, हमारे हाथ के कामों को सफल कर, हमारे शब्दों को मुबारक कर, हमारे कदमों को ब्लेस कर प्रभु परमेश्वर, हमारे हाथों को आशीषित कर, हमारे सर को, हमारे मन विचारों को पवित्र कर। तेरा धन्यवाद करते हैं, जहाँ भी हम गिर गए थे मैं फिर से उठाकर खड़ा कर, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जानता हूँ यहोवा के लिए कुछ काम कठिन नहीं है, अपने सारे कामों और बोझों को प्रभु यीशु हम आपके ऊपर डालते हैं। आप हमारी कल्पनाओं को, आप हमारी जरूरतों को पूरा करें, आप हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करें, आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। हमें वो मत देना जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो देना जो आपकी ओर से हमारे लिए भला है और अच्छा है। क्योंकि प्रभु जब आप हमें देते हैं प्रभु, हमारी आंखों में आंसू नहीं आते खुदा, लेकिन जब हम जिद करते अपने बाप से गलत मांगते तो उसके कारण प्रभु हमें खुद भी रोना पड़ता है, हम बहुतों के रोने का कारण भी बनते थे। लेकिन अब से ऐसी गलती ना होने पाए, जो तूने दिया उसमें हम दिल से धन्यवाद ही है खुदा बाप। अगर तू रोटी ना दे, तू अनुग्रह ना दे, अगर तू किसी के मन में ना डाले तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछ सकता। ये तेरी दया है प्रभु की प्रभु परमेश्वर, कि हम तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं, कि चार लोग हमसे बात करते हैं, चाहे कैसे भी हैं प्रभु, उनको तो क्षमा कर, हम पर अनुग्रह कर, माफ़ करने वाला हृदय और मन दे प्रभु। एक नई शुरुआत हम सभी की ज़िंदगी में कर प्रभु, हम आपको पुकारते हैं, हमारी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में आए प्रभु। ये महीना नई तरीके से हम अद्भुत तरीके से तुझे बढ़ते जाएं प्रभु, सब प्रकार से धन में, चंगाई में, छुटकारों में, आशीषों में, बरकतों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, परिपूर्णता में हम बढ़ते जाएं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, हम जैसे भी आप हमें ग्रैंड करें, यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। ये प्रार्थना हुई है, अब हमें बिल्कुल भी गलत शब्द, गलत अंगीकार नहीं करने हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, विश्वास कर, उस प्रतीति कर ले उस बात पर कि हो गया तो तेरे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ हमारे लिए हो गया और वो नजर आएगा, आमेन। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।